मुझे पता है, 100% पता है कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले आपको बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा हूं जो कि हमारे सब्सक्राइबर को 16,000 रुपए मिले फर्जी लोन ऐप से। मतलब कि फर्जी लोन ऐप को लूटा है, 16,000 रुपए इनके अकाउंट में आ चुके हैं। एक स्टेटमेंट ये देखिए और एक ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे एक स्क्रीनशॉट पे सारा पूरा मतलब नहीं आ पा रहा था पूरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए और बाकी का ये एक जो बचा हुआ ये देख लीजिए, इन सबको आप जोड़ेंगे ना तो आपको 16,232 रुपए निकल के आएगा कि हाँ इनको मतलब पैसा मिला है फर्जी लोन ऐप से। चार ऐसी फर्जी लोन ऐप को उन्होंने लूटा है जहां से 16,000 रुपए इनके अकाउंट में आए हैं, समझ रहे हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद इन्होंने ये ऐसा किया और इन्होंने मेरे बताए हुए तरीके और ट्रिक को अपनाया, इनको लोन मिला मतलब कि इन्होंने लूटा। और अभी तक कोई भी कॉल नहीं आई है, कोई मैसेज नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से पैसे को यूज कर रहे हैं। जब इन्होंने मेरे को कॉल किया था तो ये डोमिनोज बैठ के पिज्जा खा रहे थे अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लोन लेने का आपको रिपेमेंट करने का झाड़ नहीं है, सिविल का चक्कर नहीं है, लीगल नोटिस का चक्कर नहीं है, एफआईआर का चक्कर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अगर देखिए थोड़ी तो दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी कि यार दिमाग में डर होगा कि कहीं आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज ना हो जाए, कि बैंक फीस ना हो जाए, ये अरे कुछ नहीं होगा यार। 1,000-2,000 के लिए कोई कुछ नहीं करता, समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं फर्जी लोन ऐप को लूटा इस तरह से, जो ये बैंक का स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो, आप 16,000 नहीं आप 50,000 तक का निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर 5,000 भी निकाल लो तो बहुत बड़ी बात है, फर्जी लोन ऐप की ऐसी तैसी मारते रहो। अब वो चार फर्जी ऐप कौन सी है जहां से हमारे सब्सक्राइबर ने इनको लूटा, जिनसे पैसा निकाला 16,000, आपको मैं उन्हीं के नाम बताने वाला हूं। अब देखिए ये फ्रॉड ऐप है, गारंटी कुछ भी नहीं है, आपको मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, इस बारे में कुछ नहीं करता। हमारे बताए हुए तरीके को बहुत से लोग अपनाते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। अब इसके विद्वान हम नहीं है, ना इसकी कंपनी के मालिक है ना मास्टरमाइंड है, ठीक है ना। 80% सक्सेस हमारी ट्रिक होती है और लोगों को पैसा मिल रहा है, आपने ये प्रूफ देख लिया। तो बहुत से लोग ये कहेंगे अरे यार अपना ही अकाउंट का स्टेटमेंट दिखा रहा है, चूतिया बना रहा है, अच्छा एक काम कर तू ये दिखा तू वो दिखा, ऐसे लोग करते हैं। तो भाई देखिए इतना मैं अंदर नहीं घुस के दिखा सकता कि ये भी दिखा दूं वो भी दिखा दूं ये कर दूं। भाई उन्होंने मुझे अपने बैंक का स्टेटमेंट भेज दिया, मैंने आपको दिखा दिया, अब आपको यकीन करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है करें या कि नहीं करें। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लोन ऐप्स के नाम बताऊंगा फर्जी, जो आपको पैसा दे देंगी जो हमारे सब्सक्राइबर ने लूटा है, उन्हीं ऐप्स के नाम बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा तरीका भी समझा दूंगा कि कैसे फर्जी लोन ऐप को लूट सकते हैं, आप भी 16,000-20,000 रुपए 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। तो सब कुछ बताऊंगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर @vinayl0 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको तरीका थोड़ा समझा देता हूं करना क्या है। तो आपको सबसे पहले एक फोन लेना है, फोन पुराना हो नया हो मैटर नहीं करता, जो मेन पॉइंट है वो समझ लो कि फोन में कभी भी कोई भी फर्जी लोन को इंस्टॉल ना किया गया। अगर इंस्टॉल किया गया तो फोन को छोड़ दो, वहां से आपको लोन नहीं मिलने वाला। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल दो साल पहले फर्जी लोन को धोखे से या मतलब ऐसे ट्राई करने के लिए लूट के देखे मिल जाएगा मतलब उन्होंने इंस्टॉल किया था किसी ना किसी वजह से। अब वो मेरा वीडियो देखते सोते ला चले एक बार फिर से ट्राई करते लोन निकालने की लूटने की कोशिश करते, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप पहले ही किसी फर्जी लोन को इंस्टॉल कर चुके तो आपका फोन का जो डेटा रिकॉर्ड है उनके पहले जा चुका है। जिन फोन का डेटा उनके होता है ना उस फोन को दोबारा लोन प्रोवाइड नहीं करते, उनको मतलब बिल्कुल भी लोन अप्रूव नहीं करते, लोन रिजेक्ट ही कर देते। तो आप नया फोन ले चाहे कहीं से अरेंज करें वो आपकी हेडेक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा नया ले, ठीक है ना। क्या पता आपको लोन नहीं मिला, आप कहोगे कि आपके चक्कर में हमने जो है फोन नया ले लिया कि आप लोन दिलवा दोगे, भाई मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप कहीं से अरेंज कर लो, चाहे अपने ही फोन को आप दोबारा रिसेट कर लो, मतलब कुछ भी करो, लेकिन आपको नया नहीं खरीदना मेरे कहने से, अपने मर्जी से खरीदो पूछी अलग होगी। तो कोई भी फर्जी लोन ऐप को इंस्टॉल ना किया गया हो, फर्जी मेल आईडी बनानी है, फर्जी कॉन्टैक्ट डालनी है, बैंक के मैसेज तैयार करने हैं, क्रेडिट वाले डिपॉजिट वाले आपको ये कहे तैयार करें, आपको कुछ नहीं करना है, 20-25,000 रुपया या 10,000 रुपया किसी दोस्त को या अपनी दूसरे अकाउंट में डाला और ट्रांसफर करा। जब आपके फोन में मैसेज आएगा कि इतने मतलब पैसे क्रेडिट हुए या डिपॉजिट हुए, बैंक का मैसेज आएगा, मैसेज तैयार हो गया, तो आप कम से कम दिन में 4-6 बार ये काम करना है, ठीक है ना। कम से कम 10-12 दिन आप ये काम करेंगे, डायल्ड कॉल हो गई, रिसीव कॉल हो गई, मिस कॉल हो गई, ये भी आपको तैयार करनी होगी। ये नहीं कि जो आपके फोन में नंबर सेव है उन्हीं पे कॉल करें, आपको अदर नंबर से भी कॉल आनी चाहिए और जानी चाहिए। मतलब कि जेन्युइन फोन होता है ना उसमें कभी कभी अननोन नंबर से भी कॉल आती है, जो नंबर सेव होते उससे भी कॉल आती है, तो ऐसे आपको तैयार करना होगा। व्हाट्सअप भी तैयार करना है, फेसबुक भी चलानी है, इंस्टाग्राम भी आपको अपना चलाना होगा, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हर कोई चलाता है, ये भी आपको रखना पड़ेगा। तो फोन जेन्युइन बनाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात वो बैंक अकाउंट जो आपने कभी ना लगाया हो कृपया करके वो लगाएं तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इतने तो बैंक अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो मतलब अगर मान लीजिए आपके एक बैंक अकाउंट है या दो ही है तो 2-3 और खुलवा लीजिए। आप बार बार एक ही बैंक अकाउंट को यूज ना करें, आधार कार्ड पैन कार्ड को चेंज कर लें,
मतलब उसको एडिट कर लें, क्यों उसका जो आधार नंबर या पैन नंबर था उसको आगे पीछे करते, मतलब उनको भी एडिट कर दें। आपके दिमाग से आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करने का डर निकल जाएगा कि उसको मतलब जीएसटी की फॉर्म ना खोल ले, कोई सीबीआई ना बन जाए, कोई सरकारी नौकरी ना लगा ले, कोई अकाउंट ओपन ना कर ले, कोई वोटर आईडी ना बनवा ले, या कोई जो है सिम ना ले ले, ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। क्योंकि बहुत सी वीडियोज में ये चीज बोली जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का असली होगा तब भी यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग का डाउन निकल जाए तो आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आ गई, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे तभी आप लूट सकते हैं। यही सारे काम मैं हमेशा वीडियो बोलता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ने किए और उनको लोन मिला है, यार आपके सामने प्रूफ दिखा दिया है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये दिखा वो दिखा, उसका आधार कार्ड दो, उसका एड्रेस दो, उसका फोन नंबर तुम कॉल करके पता करें, ये करें, तो भाई इतना मैं नहीं कर सकता कि किसी की मतलब मुझे किसी ने इतना प्रूफ भेज दिया, बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही है। लेकिन मैं किसी की इतनी डिटेल्स अंदर से आके नहीं बता सकता हूँ कि उसका आधार कार्ड दू पैन कार्ड दू। बहुत से लोग ये ना बाल की खाल निकालते हैं, फिर कहते हैं देखा अब तू नहीं दे पाया, अब तू झूठ बोल रहा है। यार मैं किसी की प्राइवेसी है वो नहीं दे सकता, फिर कहते हैं तू नहीं दे पाया, तू गलत है, तू अपने बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा है, ये कर रहा है। लेकिन लोन मिल रहा है भाई, फॉर्चून ऐप को लूट सकते हो। अब तो मेरा कोर्स आएगा उसमें तो 200% गारंटी ले रहा हूँ, 50,000 तक का लोन निकाल सकते हो यार, 1,00,000 तक का निकाल सकते हो, बल्कि अगर चाहोगे तो सही से कर लोगे, फ्री में दे रहा हूँ, कोई पैसे भी नहीं ले रहा हूँ उस बार। और बताओ, पहले मैं 250 रुपये तब भी लिए थे, लोगों ने बवाल कर दिया था, 250 रुपये है तो यार 1 रुपये छाप लो, 2,50,000 रुपये छाप लिए, 100 व्यूज आए 250 रुपया, तो 2,50,000 रुपये नहीं, क्या क्या कैलकुलेशन करी, जितने व्यूज आए थे उसको 250 से मल्टीपल कर दिया। अरे जरूरी थोड़ी ना कि जितने व्यूज आए सबने कोर्स खरीद लिया होगा, तो इस चीज को समझो, ये सब गलत है। अब यहाँ पे मैं आपको लोन ऐप्स के नाम बताने वाला हूँ, वो कौन सी ऐप है जहां से आप पैसा निकाल सकते हो। प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, प्रोसेस वही पुराना है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस बैंक अकाउंट को मतलब चेंज करते रहो बार बार सेम मतलब को, थोड़ा सा सेल्फी भी चेंज करो, सेल्फी में कभी कभी थोड़ी बहुत दाढ़ी आ गई, कभी क्लीन चट कर लिया, कभी टकला कर लिया, मतलब ऐसा करते रहना चाहिए, शक्ल थोड़ी बहुत चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड पैन कार्ड भी थोड़ा चेंज करते रहो हमेशा, ठीक है ना। उम्मीद है परिवार समझ गए होगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब चलिए इसकी में देखिए, अब मैं आपको उन 4 ऐप्स के नाम बताऊंगा जिनसे आप पैसा लूट सकते हो। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ऐप दिखाई जा रही है टैप मनी करके, इसकी वेबसाइट है, ऊपर आप चेक कर पा रहे होगे, इसकी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ से आप इंस्टॉल पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके लूट सकते हो। और यहाँ पे आपको 2,000 से 7,000 के बीच में लगभग आपको पैसा मिल जाएगा, आप लूट सकते हैं, ठीक है। टैप मनी करके है यहाँ पे, इसका लिंक मैं अपने जो है उसमें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और नहीं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, टैप मनी के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, पहली ऐप हो गई। अब दूसरी ऐप जिसका नाम है ओशनी क्रेडिट, यहाँ पे भी देखिए 50,000 का 1.5 लाख का लोन मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना, और यहाँ से भी आप लूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये एक दूसरी ऐप है जहाँ पे आप लूट सकते हो, फर्जी ऐप है ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको 3,000 तक का लोन आसानी से मिल जाएगा, या आपको यहाँ पे 1,000 रुपये का भी लोन मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसमें, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से पैसा मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए चलते तीसरी ऐप पे। अब भाइयों यहाँ पे तीसरी ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है, नहीं ऐसा नहीं है, ये वेबसाइट है, गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे लोगो लगा है, ऐसा लग रहा है कि हम प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर रहे हैं, 500 मिलियन प्लस डाउनलोड से, ये बहुत टाइम से चल रही है, ये भी लोन अच्छा खासा दे रही है, ये आपको 5,000, 4,000 का एक साथ एक बार में लोन प्रोवाइड कर देगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप एक एंट्री दिख रहे होंगे, ये बैंक का स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 4,000 की एक एंट्री दिख पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसी स्वीट मनी की तरफ से ये 4,000 का ये जो है पैसा लूटा हुआ है, इनको लोन मिला है जो सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। तो आप ये इस ऐप से इनको लूट सकते हो, ये मतलब तीसरे नंबर की फर्जी ऐप है, ठीक है। अब मैं चलिए आखिरी चौथी ऐप पे चलता हूँ। अब भाई हमारी आखिरी चौथी ऐप इंस्टा क्रेडिट भारतीय क्रेडिट करके है, ठीक है, इसको भी आप लूट सकते हैं, यहाँ से भी आप करीब 5,000 रुपये तक का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके डिपेंड है कि भाई आपका जो मतलब आपने जो ऐप को इंस्टॉल किया है वहाँ पे आप 1,000 दे रही है, वो 2,000 दे रही है, यहाँ पे फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर को उसने 3,000 रुपये दिए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चौथी ऐप है फर्जी जहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, बैंक का स्टेटमेंट आप दोबारा देख लीजिए ताकि आपको यकीन हो सके, यहाँ लाइव देखो यार कि हाँ सच में यार कि मतलब आप भी लूट सकते हैं, कैसे हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पे इनकी बैन हो जाइए, इन ऐप को इनको लूटा है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आपको मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्री है 4,267 रुपये की है, ठीक है, 27 जून लिखा आ रहा है, मतलब 27 तारीख यानी आज की डेट में पैसा लूटा गया है, ठीक है। फिर 1,061 रुपये लिए गए हैं, फिर 2,556 रुपये लिए गए हैं, फिर 2,747 रुपये लिए गए, मतलब कि इनके अकाउंट में आए लूटे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3,356 रुपये लूटे गए, फिर आखिरी एंट्री जो कि इस स्क्रीनशॉट पे नहीं आ पाई, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 27 जून की है, 2,245 रुपये आए, आप देख पा रहे होंगे, बाकी के जो कुछ स्टेटमेंट है उनके पर्सनल है उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बैंक का दोबारा देख लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ ये आज की डेट में पैसा लूटा गया है। तो
तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप भी फर्जी नेट को लूट सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा डाटा हैक हो जाएगा, ये है वो है, कि मन में कोई थोड़ा भी डाउट लग रहा है, ये है वो है, कुछ मुसीबत न पड़ जाए, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल चक्कर मत पड़ो, बिल्कुल भी मत लूटिए, मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जिनका मन करे वो करें इस काम को लूटने वाला, नहीं तो मत करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा दिया, सब कुछ लाइव दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी लूटना या नहीं लूटना, ठीक है। तो वीडियो को ही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।